देवेंद्र दुबे, अ डॉन एंड द समाजवादी पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम मोतिहारी। देवेंद्र दुबे की ये पहचान हमें इंडिया टुडे के जून 29, 1998 को प्रकाशित एक आर्टिकल से मिला। देवेंद्र दुबे एक डॉन और मोतिहारी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। जब तक गोविंदगंज की धरती रहेगी, देवेंद्र दुबे जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे हमेशा। गोविंदगंज इन द मोतिहारी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हु इज कंटेस्टिंग द पोल्स ऑन अ समाजवादी पार्टी टिकट इज चार्ज्ड विद पॉइजनिंग ऑफ 6 पीपल एंड इज वांटेड इन 30 क्रिमिनल केसेस। ही हैज बीन अब्सकॉन्डिंग एंड द पुलिस वॉज आउट टू अरेस्ट हिम ऑन द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। 9 फरवरी 1998 विकांत सहाय की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि देवेंद्र नाथ दुबे पर 6 लोगों को जहर देकर मारने का आरोप था और इसके अलावा 30 क्रिमिनल केसेस का वांटेड बताया गया था। वो फरार चल रहे थे और नॉमिनेशन फाइल करने के दिन भी पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई थी। मैंने माताएं बहने तो मैंने कैसे अपने औलाद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वैसे कर के लिए रोता है, वैसे आज भी रोती है। नाम रख दीजिए आप तो हमार बउआ तो चल गई लन, ये हो गई हमारा बउआ के रहतन तो हमी के ही रही तू रही। लेकिन गोविंदगंज का भी दुर्भाग्य था, बिहार का भी दुर्भाग्य था। बिहार में एक ऐसे शख्स थे जो मैंने सबकी सुनने वाले थे, हमारे देवर थे देवेंद्रनाथ दुबे जी। और ये हैं गोविंदगंज के पूर्व विधायक मीना द्विवेदी। नमस्कार, मैं श्रीधर भारद्वाज और आप देख रहे हैं द जेड प्लस की खास सीरीज बाहुबल नीति। किससे? बिहार के उन बाहुबलियों की जिनकी धौंस राजनीति में भी दिखी। आज इस एपिसोड में हम आपको देवेंद्र नाथ दुबे के बारे में बताने वाले हैं, उस देवेंद्र के बारे में जिसके पिता जलेश्वर दुबे स्वतंत्रता सेनानी थे। 80 का वो दौर जब बिहार में अपराध चरम पर था, तब नेपाल के सीमा से सटे पूर्वी चंपारण जिले का गोविंदगंज इलाके में भी संघर्ष चल रहा था। बताया जाता है कि उस समय गोविंदगंज में 2 अगड़ी जातियों के लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। देवेंद्र दुबे ब्राह्मणों के मसीहा बनकर उभरे। इसके बाद धीरे धीरे उनकी पकड़ दूसरी जाति के लोगों पर भी बनने लगी। अब ब्राह्मण से लेकर हर कास्ट के लिए वो बेचैन थे, चाहे हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई, सबके जनाजा में, सबके मृत्यु में, सबके शोक में, सबके खुशी में हाजिर होती थी। आ कुछ बात देते भी थे, मैंने बहुत ही पैसा, लोगों को सहयोग भी बहुत करते थे। कोई 5 रुपया मांग रहा है तो उसको 100 रुपया से ज़्यादा ही देते थे, कम का तो सवाल ही नहीं है। मैंने मैं उदाहरण के तौर पर 5 रुपया बोल रही हूँ। तो ऐसे वो राजनीति शुरू किए और लोगों में इतना छा गए कि शायद आने वाला दिन में बिहार में वो रहते तो एक ताकतवर नेता रहते। वो एक वर्ग के लिए तो अपनी ताकत और दूसरे वर्ग के लिए उनके दुश्मन और आतंक का नाम बन गए थे। देवेंद्र को हत्या अपहरण जैसे कई मामलों में आरोपी बनाया गया, लेकिन जरूरी सबूत और गवाह न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाता था। उनका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था और साथ ही दुश्मनों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। साल 1995 चुनावी साल था, बिहार में लालू यादव की सरकार थी, कांग्रेस को गए 5 साल होने वाले थे। देवेंद्र दुबे नीतीश की समता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे थे। उन पर दुश्मनों का गुस्सा तब फूटा जब देवेंद्र दुबे कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहे थे, एक साजिश के तहत उन पर हमला हुआ। देवेंद्र को गोली लगी और गोली लगते ही वो वहीं बेहोश हो गए। बहुत लोग उनके विरोधी थे जो नहीं चाहते थे कि आगे बढ़े, तो एक बार वो कोर्ट में गए, उसी समय वहाँ कुछ लोगों की साजिश के तहत उनको गोली मार दी गई। गोली मार दी गई तो उस समय तो वो बेहोश होकर गिर पड़े वहाँ। लेकिन मेरे पिताजी थे, वो थे मेरे पिताजी जगदीश नारायण मिश्रा, जो हाई स्कूल के हेडमास्टर भी थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति करते थे। जैसे बड़े बड़े पहले के जो नेता थे, पीताम्बर बाबू, इस सब लोग के साथ हो, अपना मधुकर जी सबसे साथ हो, प्रभाती गुप्ता जी तो कांग्रेस से थी, सबके साथ राजनीति करती थी। वो संयोग से उस दिन वहीं पे थी। वो उनको उठाए और लेके सीधे पटना चले आए, जाके यहाँ भर्ती करवाए और वहाँ डॉक्टर ने पूछा जी कौन है, तो हमारे पिताजी बोले कि गरीबों के मसीहा देवेंद्र दुबे हैं। उनकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो बचने वाले नहीं थे, लेकिन डॉक्टर ने आनन फानन में सब व्यवस्था करके उनको
बहुत टाइम लगा, गोली तो लग गई थी, आंख में भी गोली लग गई थी, जो काफ़ी लंबा ऑपरेशन हुआ उनका, बहुत घंटा तक ऑपरेशन चली और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उसके बाद फिर उनको जेल में डाल दिया लोग। वो जिंदा बच गए तो उन्हें हत्या के आरोप में चुनाव से पहले जेल भेज दिया गया। जैसा कि अब भी देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े सभी बाहुबलियों को चुनाव से पहले आतंकी घोषित कर दिया जाता है और उन पर एक के बाद एक कार्रवाई होने लगती है। सालों से बंद पड़े केसेस खुलने लगते हैं। खैर, जेल जाने के बाद भी चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। चुनाव लड़े मसाल छाप उस समय थी, तो चुनाव लड़े, जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे, गरीबों के मसीहा थे और जन जन में उनकी जो आवाज़ थी, लोग उनकी एक झलक देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए तमाम जनता, तमाम लोग मैंने उनकी लिए व्यग्र रहते थे और गरीबों के मसीहा थे, इसी नाम से उनको वहाँ लोग जानता था। कब कहाँ चले जाएंगे, किसके साथ मैंने जाके खड़ा हो जाएंगे, किसकी मदद कर देंगे, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। कठिन से कठिन समस्याएं भी आती थी तो उसमें वो अपना आगे बढ़ते रहते थे। देवेंद्र दुबे जीत गए और जब जीतने के बाद वो जेल से निकले तो बेहद जोरदार स्वागत हुआ। वो चुनाव जीते थे नवंबर में ही और फिर नवंबर में वो रिहा हुए। उसके बाद से जब वो गोविंदगंज के लिए चले तो मोतिहारी से लेके अरे राज तक जो लोगों की दोनों कतार में लोग जो लंबी कतारें लेके खड़े थे और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए गाड़ी का जीप का हुड निकाल दिया गया था और उस पर खड़े होके वो अपना लोगों का अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे। माने 10 बजे से निकला आदमी, 7 बजे शाम को वहाँ मोतिहारी में राज में पहुँचा, हाई स्कूल के सभागार में वहाँ वो पहुँचे। और पहुँचने के बाद उन्होंने इतना मैंने लोग इतने थे कि वहाँ तिल पर रखने की पैर रखने की किसी को जगह नहीं थी। माननीय उस समय तो शायद रेल मंत्री थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे थे, शिवानंद तिवारी जी भी पहुँचे थे वहाँ मीटिंग जो हुई थी उसमें। और उन्होंने जब बोलने के लिए मुख्यमंत्री जी वहाँ इतनी तादाद में लोगों ने थी तो उनको टिकट दे के और उनको मसाल छाप तो अलर्ट हो गया था, वापस किया गया था, लेकिन चुनाव तो ही हो गया था तो उसी से उलड़े चुनाव मसाल छाप से ही। मुख्यमंत्री जी ने जब बोलने के लिए उठे तो लोगों ने काफ़ी किया कि आप टिकट क्यों ले लिए, कैसे किए। फिर भी लोगों में नीतीश कुमार जी ने जो उस समय महसूस किया तो शायद हमको लगता है कि उनके दिल में आज भी वो जगह है उस परिवार के लिए, तो वो वहाँ भाषण वगैरह दिए, काफ़ी प्रभावित हुए। अब तक उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी थी। 23 फरवरी 1998 आउटलुक मैगजीन में लिखा गया, वंस जेल्ड इन अ मर्डर केस ही इज करेंटली एब्सकॉन्डिंग इन सिमिलर केसेस नोन एज टेरर ऑफ चंपारण। He is alleged to have close links with Uttar Pradesh Mafia. चंपारण के आतंक के नाम से फेमस देवेंद्र दुबे पर उत्तर प्रदेश के माफियाओं से करीबी संबंध होने के आरोप लगे। वो तब समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा चुनाव में उतरने वाले थे। वो अपने पुराने साथी नीतीश कुमार को छोड़कर बड़ी पार्टी के साथ जाना चाहते थे। एक बार फिर से चुनाव का वक्त था और विरोधियों के निशाने पर देवेंद्र दुबे थे। 98 में उनको अपना वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए, सपा से टिकट ले लिए, मुलायम से यादव टिकट दे दिए। वो चुनाव के मैंने वोट हो गया, वोट पड़ने के बाद उन्होंने जब 23 को गिनती थी तो हमारे हस्बैंड बोले थे कि तुम कहीं बाहर मत निकलना जब तक गिनती नहीं हो जाती है, लेकिन कुछ लोग उनके साथ थे तो बोले कि नहीं, मेरा पैसा सब विधानसभा में है, चलिए हम वहाँ से लेके आते हैं, तो वहाँ आएंगे तो काउंटिंग में रहना है। जीत तो निश्चित थी, लेकिन कुछ लोगों को ईश्वर के भी शायद मंजूर नहीं था, तो रात में वो घर से 10 बजे निकले, बड़ेरिया तक गए, अपना कुछ बूथ कैंसिल हो गया था जिसमें उनको कागज वगैरह दे के लोगों को बता रहे थे कि यहाँ आप रहिएगा वहाँ रहिएगा ऐसे करके। वहाँ से वो 10 कदम बड़े होंगे बड़ेरिया गाँव में क्षेत्र में ही अपने, वहाँ अपराधियों ने घात लगा के बैठा था, इतना फायरिंग किया कि वो अपना परिचय पत्र ऐसे लेके वहीं पर सीट पर झुक गए थे। वो दिखा रहे थे, उनको लगा कि अब पुलिस के भेष में, तो उनको लगा कि ब्लैक कमांडो है सब, वो पुलिस माने परिचय पूछेंगी तो हम अपना परिचय दिखाएंगे, परिचय पत्र विधानसभा वाली, लेकिन
तब तक लोग अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया। मैंने उसमें से दो ही आदमी बचा जो आज है, जो एक राजन तिवारी हैं एक शुक्ला है हमारे ही क्षेत्र के, ये दो लोग ही वहाँ बचे। और बाकी ड्राइवर से लेके जो लोग थे सब लोग वहीं पर गाड़ी में ही ख़त्म हो चुके थे। 1:30 बजे रात को हमारे घर पे कोई आया आके बोला कि जोर जोर से इनको बुला रहा था जे भैया उठिए, ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो हमारी सासू माँ थी, उनकी नींद खुली तो बोली कि तो बुलाई हमारे हस्बैंड को, तो उस समय हम सब कोई सोए थे। तो बोली ओ बोली वो बोली कि हमारे अपने बेटे को कि बउआ ऐसे हो गया है, देवेंद्र दुबे को लोग मार दिया। तो उस समय तो हम लोग सब लोग हक्के बक्के थे, मेरा एक बेटा जो है वो भी उस समय घर पे ही था, बेटी दोनों हॉस्टल में थी, ये मसूरी से छुट्टी में आया था। तो उस समय तो पूछिए ही मत, माने जनता की आवाज़ जो निकली उसके बाद गोविंदगंज की जनता ईश्वर की जो माने इतनी माने भयंकर आंधी तूफान हर चीज़ माने उस समय उनके मरने के बाद ही हो गया। हम लोग तो परिवार से तो बहुत हम लोग मर्माहत हुए, कुछ हम लोग के समय दिख नहीं रहा था कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। इसमें मतलब किन लोगों का हाथ था, जैसे कि अब तो क्या बताएं, इस समय बताने से कोई फायदा भी नहीं हुआ, किस मुकदमा भी हुआ तो हम राजन तिवारी का इन लोगों का नाम आया। अब मैं इसमें किसी का नाम नहीं दूंगी, ईश्वर जाने। अब तो मान लिया कि हम घटनास्थल पर तो हम लोग थे नहीं, तो अब तरह तरह की बातें क्षेत्र में हुई, लेकिन अब ईश्वर जाने कौन किया। लेकिन गरीबों के मसीहा को कोई समाप्त नहीं कर सका, मार के उनको अमर कर दिया। जब तक गोविंदगंज की धरती रहेगी देवेंद्र दुबे जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे हमेशा। बाहुबली नीति के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स में बिहार के बाहुबलियों के और भी किस्से हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए जरूरी होगा कि आप हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।